माफ कर। आप प्लीज मुझे सोनिया के साथ रहने की इजाजत है, वो मुझे आपकी मदर का बहुत बेरूप ड्रामे में देखने वालों को शायद बेवकूफ बनाया जाए। तैमूर के सामने एक दफा तो किंजा की हकीकत आ गई थी, भला वो पहले जैसे यकीन कैसे कर सकता है। जारा ने कोशिश तो की है तैमूर से आंखों का पर्दा हटाने की, लेकिन तैमूर को पता नहीं कब समझ आएगी ये बात। दूसरी तरफ सोहेल को भी अंदाजा हो गया कि किंजा के सामने सोनिया को नहीं लेकर जा सकता, वरना वो मार ही डालेगी। इसी डर की वजह से सोहेल अब किंजा की झूठी तारीफें भी करता रहता है। मगर सोहेल सोनिया को कब तक रोकेगा? सोहेल को पता है ऐसा चुप चुप कर रहने से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। किंजा से बदला लेने और उस घर का हिस्सा लेने के लिए सबके सामने जाना जरूरी है, और किंजा को भी बताना होगा कि वो सोहेल की बीवी है। जब किंजा को सोहेल की शादी का पता चलेगा तो वो सोनिया को थप्पड़ मारने और घर से निकालने की भी कोशिश करेगी। सोहेल को ब्लैकमेल भी करेगी, अगर ये लड़की इस घर में रही तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मगर अब किंजा कुछ भी कर ले, सोहेल सिर्फ सोनिया की ही बात सुनेगा, जबकि सोनिया भी अपनी एक एक बात का बदला लेगी और किंजा का एक एक झूठ तैमूर को बताएगी कि कैसे वो सबको बेवकूफ बनाती आई है। कौन कौन अब किंजा का बुरा अंजाम देखना चाहता है, ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में लगे बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।